संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। लगातार कार्यक्रमों की समीक्षा के बीच उन्होंने बात की हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता से। बैठक है आज खाद्य और संस्कृति विभाग की, मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ समीक्षाएं की जाने की जरूरत है? लॉकडाउन के बाद पहला समीक्षा बैठक हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारी योजनाओं का जो हमने निर्देश पहले दिया था, बीच में लॉकडाउन लग गया, वो उसकी भौतिक स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति की जानकारी लेना और उसका इम्प्लीमेंट कितना हुआ है, उसको हम विभागवार देखेंगे। देखिए, लगातार जो धान खरीदी में जो नुकसान हो रहे थे, इसको आकलन किया गया कि इसके फैक्टर्स क्या है, तो देखा गया कि अधिकांश जगहों में जो संग्रहण केंद्र है वहाँ पर कई महीनों तक धान रहता है, और ऐसे समय में जब बारिश होता है तो धान खराब होने की पूरी संभावना रहती है और होता भी है। उसके लिए अगर हम पक्के का चबूतरा बनाए, शेड बनाए, तो उस चीज से नुकसान से बचाया जा सकता है। तो इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी संग्रहण केंद्र में पक्का चबूतरा बनाया जाएगा और मंडी से उस पर जो है शेड लगाया जाएगा। हमारे पास ऑप्शंस है, उसको अपनाना चाहिए कि धारा 144 जो लागू है उसको कड़ाई से पालन कराएं, साथ में जो सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, सैनिटाइजर का उपयोग, मास्क का उपयोग, इसका कड़ाई से पालन हो तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगेगा। और जब तक प्रवासी जो मजदूर हैं उनका आना रुकेगा नहीं, तब तक ये जो इन्फेक्शन है इसका केसेस आते रहेंगे। अच्छा, ये भी चर्चा ये हो रही है कि जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे अव्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है, यहाँ से उनका जमीन खिसक गया है। हर जगह हमारा टीम, पूरा प्रशासन का टीम मुस्तैद है और हम तो स्वयं गए हैं क्वारंटाइन सेंटरों का जायजा लेने और पूरा प्रशासन का टीम लेकर के लोगों से रूबरू हमने पूछा है किसी प्रकार का कमी है, कहीं भी कोई शिकायत नहीं आई है। तो क्वारंटाइन सेंटर में कोई अव्यवस्था नहीं है, कहना है मंत्री अमरजीत भगत का। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने खुद इसका मुआयना किया है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता